भाई हमारा उड़ता कमर्शियल शूट हो रहा है जामिया का। टुडे इज माय थर्ड पेपर फॉर यू प्रैंक यू प्रेस माय। यासिर भाई आ गए सिविक में भाई। जाओ 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 चला चला। तो अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से फिट फाट तो भी होगी। सीने ही देखना आवाज़ें मारती हूँ। तो आप लोगों को बताऊँगा क्या, मेरा तीसरा एग्जाम है तो जो है कल मैंने बनाया नहीं था, अभी ही आज ही बनाकर आज ही अपलोड कर दूंगा आप लोगों को। मतलब पहले मैं एक दिन पहले बनाकर अपलोड करता था, लेकिन आज थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो ये देखिए, तो अभी चलते हैं वो लोग बाहर, मेरा इंतजार कर रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें लोगों चैन नहीं है। अबे ओ बंद कर इसको, चल बंद कर। जाकिर कहाँ गया? पीछे से देख निकलेगा। देख पीछे से निकलेगा आगे। अंदर चलो घर। Today is my third paper for you prank, you pet man. शाबाश बेटा। प्रे होता है, प्रेड नहीं होता। प्रेस, प्रेस होता है, प्रेस। प्रेस तो प्रे होता है। प्रेस यानी सबके लिए बोल रहा हूँ। ना सबके लिए, सारे बच्चे इतने सारे, तो प्रेस आता एक के लिए, प्रेस आता ठीक है। ये पढ़ना है जो तभी तो हम आपको साथ कहते हैं। हाँ तभी तो साथ कहते हैं। चले ये पढ़े ना, ये सर सेकंड ईयर में पढ़ ले चला। ये तत 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 कॉल आते हैं, तो क्या नाम है? डोमिनो। A few moments later. गर्मी भी आ चुकी है और ये तुम लोग क्या इतना अंधेरा करके बैठे हो? लाइटें ऑन कर लो ना। आपका इंतजार वहाँ चाल बनाया मॉल बनाने के लिए बैठे थे। अच्छा चले जी भी ठीक है। तो अभी थोड़ा रिवीजन करते हैं, तो नाश्ता भी आ रहा है हमारा। हाँ जी भाई, गाड़ी आ गई है, सब अपने अपने रास्ते पर जो है वो रवाना हो गए हैं। तो अभी ये है कि आज का पेपर, मतलब शुरू के तीन पेपर थे वही थे, बस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वो गुजर गए, बाकी तो आसान ही हो। तो अभी ये है कि गाड़ी घो रही सामने, पेपर घो रहा नहीं है अभी, ड्राइवर आता है। हाँ अभी है, तो अभी चलते हैं फिर। यासिर भाई आ गए सिविक में भाई। जाओ 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 चले चले। यासिर भाई नहीं आ रहे? यासिर भाई वो रोज का इनका बन गया ना यार, क्या कर रहे हैं फ्लाइट मोड पे लगे हैं। यासिर भाई मेरे ख्याल से वो पीछे वाली सीट में आ रहे हैं। मेरी टोपी पड़ी है इसमें नहीं आ रहा, वो सिविक में आ रहा है वो। हां सिविक में आ रहा है यार। पहुंच गए हम लोग जो है अंतिया गौसिया, लेकिन ये मोबाइल की यहाँ पर बहुत सख्ती है। या तो मोबाइल में यहाँ पर ही गाड़ी में मेरे बैग वैग में रख कर जाऊँगा, या फिर अंदर साथ ले जाऊँगी। तो बहुत है, देखते हैं क्या कर रहा है। One eternity later. जी यार अल्हम्दुलिल्लाह पेपर हो गया है और हम सारे अभी जो है ये कौन बोल रहा है? पेपर तो ऐसा करके आ रहा है फुल बेहतरीन। तो अभी ये है कि जाकर मिलते हैं आपको। तो हाँ जी भाई, जैसे आप लोगों को पता था, मैंने बता दिया था कि पेपर देकर हम आ गए थे, और जो है मेरा जो एक डे स्किप हो गया वो इसलिए व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि आप लोग खुद जो है व्लॉग देख रहे हैं, इमेजिन करें कि बंदा 3-4 के करीब जा रहा है और रात को 12-12 बजे आ रहा है, तो क्या दिखाऊंगा फिर मैं व्लॉग पे? बार बार एकेडमी या वहीं का ही मजाक, और वहाँ पर भी क्या मजाक, क्योंकि हमारे पेपर जो है आप लोगों को पता है। फिर उसके लिए जो है घर आने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि जब से पेपर शुरू हुआ है जामिया में सबकी ही तकरीबन तबीयत खराब हुई है, क्योंकि थकन अल्ट्रा लेवल की हो जाती है। पेपर देकर आने के बाद जो है नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर घंटे डेढ़ घंटे के बाद वही जामिया का टाइम हो जाता है, फिर रात को। अभी मैं जा रहा हूँ, आज हमें थोड़ी छूट थी इमाम साहब की तरफ से, आज हम थोड़ा मैं जा रहा हूँ, 8 बजे बुलाया था लेकिन मैं गफलत की वजह से, 9:15 हो रहे हैं अभी, क्योंकि मैं घर पर जो है भाई बहन के साथ हम लोग गए हुए थे इसलिए। तो अभी ये है जाते हैं भाई उधर, ठीक है जी, फिर रात को आएंगे, रूटीन वही वाली जो तफरी होगी वो आप लोग देख लेंगे। तो ये है कि जब तक पेपर्स हैं, पेपर्स तकरीबन 3 हो गए, 3-4 रहते हैं, कल का भी समझे निकल ही गया, 3 और रहते हैं बस। ये जो है कॉम्प्रोमाइज कर लें आप लोग, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आया, फ्री हो जाऊंगा ना। आज हम दलालत की बहस शुरू करने लगे हैं, दलालत की तारीफ, उसकी उसके लफ्जी मानी और दलालत की तकसीम पढ़ेंगे। दलालत किसे कहते हैं? सबसे पहले इसका लोगी माना समझ लीजिए। दलालत का माना होता है राह दिखाना, और इस्तलाही माना इसका यह है कि किसी शे का दूसरे शे के साथ खास हो जाना, इस तौर पर कि हम पहली चीज को देखें तो दूसरी चीज हमें समझ आए, इसे हम दलालत कहते हैं। दलालत दो तरह की होती है, एक है दलालत लफ्जी और एक है दलालत गैर लफ्जी, यानी
कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिसे सुनकर हमें दूसरी चीज समझ आती है, तो वो दलालत लफ्जी है। और कुछ अल्फाज नहीं होते बल्कि इसके गैर लफ्ज होते हैं, या यूं समझ लें कि कुछ इस तरह के मामलात होते हैं कि हम फौरन उन्हें देखकर दूसरी चीज को समझ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहीं से धुआं उठ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर आग लगी हुई है, तो धुएं ने हमें बता दिया आग का। यहाँ पर धुआं कोई लफ्ज नहीं है बल्कि एक चीज है जिसे हम देखकर आग को समझ रहे हैं। तो दलालत दो तरह की होती है, लफ्जी भी होती है और गैर लफ्जी भी होती है। दोबारा से रिपीट करेंगे, दलालत कितनी तरह की है? लफ्जी और गैर लफ्जी। फिर उसके बाद दलालत लफ्जिया भी तीन तरह की है और दलालत गैर लफ्जिया भी तीन तरह की है। दलालत लफ्जिया वज़ईया, दलालत लफ्जिया तबईया और दलालत वज़ईया अक्लिया। मेरे साथ मिलकर दोहराएंगे, दलालत लफ्जिया वज़ईया, दलालत लफ्जिया तबईया, दलालत वज़ईया अक्लिया। भाई हमारा उल्टा कमर्शियल शूट हो रहा है जामिया का, एक बहुत बड़ा जो है इवेंट होने वाला मस्जिद के लिए, उसमें जो है दिखाया जाएगा, तो अभी देख सकते हैं आप वो कैमरा मैन जो है अभी कमर्शियल शूट हो रहा है। हाँ जी यार, जामिया से मैं फ्री होकर आ गया हूँ, तो अभी ये है कि घर वालों को चंद सामान ला कर देना, वो ला कर दे दूँ, खाना भी नहीं खाया, मैं खाना खा कर जो है फिर मैंने पढ़ना है। तो अभी चलते हैं, काशान को बुलाया, काशान भी आ गए, तो चलते हैं सामान वगैरह लेकर आते हैं। सामान क्या, मैं अपने लिए कुछ लेने जा रहा हूँ खाने के लिए, सामान लाकर दे दिया। अब काशान के साथ जा रहा हूँ बाहर कुछ खाने, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं सेंट्रल की वजह से लेट आता हूँ घर पे, तो घर वाले ए टू जेड सो जाते हैं मतलब खाना वाना खाकर। तो ये कि अभी अम्मा बना के रख देती हैं मेरे लिए, लेकिन कभी कभी मैं घर का नहीं भी खाता तो बाहर चले जाता। तो अभी ये है कि अभी काशान आया है, जाते हैं फिर, तो फिर खा कर ही आते हैं। फिर मैंने बस यार बहुत ना यार सामने बर्गर वाले से जो है बर्गर का ऑर्डर दे दिया काशान, तो अभी ये है इधर ये जो है चाय मंगवाते हैं, ऑर्डर देते हैं चाय का, फिर पीकर चलते हैं। फिर काशान कितने दिन के बाद तुझसे मुलाकात हो रही है मेरी? तीन चार दिन ना भाई, देख रहे हैं कितना बिजी चल रहा है कि दोस्तों को देने के लिए अभी कोई टाइम नहीं है, बस एक बार पेपर फटाफट अल्लाह के हुक्म से निकल जाए फिर रूटीन थोड़ी सेटल होगी। यार पेपरों की वजह से जो है ना पूरा शेड्यूल हुआ है आउट, मुझे नहीं पता कि ब्लॉग कैसा बना है कैसा नहीं, क्योंकि अपनी तबीयत भी कुछ ऐसी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, लवी हो गया यार, आप लोग बने हुए, बस एक बार पेपर जाने थे फिर इंशाल्लाह कोई चील सीन है। ठीक है जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट, अल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।